फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मैरिट्स। आज मैं आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ कि हमारे बच्चों को हम वीक नेम, मंथ नेम विथ एक्शन के साथ कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों को हम कोई सी भी चीज़ ना एक्शन के साथ जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और वही चीज़ अगर हम बच्चों को रटने के लिए दे देते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसे याद करो, तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और बच्चे ना उस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है। और वही चीज़ अगर हम उन्हें खेल खेल में या फिर एक्शन के साथ सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हम हमारे बच्चे को वीक नेम, मंथ नेम थोड़ी सी एक्शन के साथ कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीक नेम विथ एक्शन के साथ। हम हमारे बच्चों को बोलेंगे बेटा, हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 days इन अ वीक। रिपीट करेंगे वापस से, हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 days इन अ वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे विल बी हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी। तो इसको हम वापस से रिपीट कर सकते हैं कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 days इन अ वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे विल बी हॉलीडे। हॉलीडे मीन्स छुट्टी। तो बच्चों को ना इस तरीके एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। आप यकीन मानिएगा, अगर आप दिन में 2 बार भी बच्चों को इस तरीके से कराते हैं तो बच्चे खुद बहुत अच्छे से मज़े से करेंगे और बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को इतने अच्छे से याद हो जाएगा। और इस चीज़ में ये है कि हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि बेटा संडे मीन्स हॉलीडे, यानी संडे को हॉलीडे रहता है, उस दिन आपकी छुट्टी रहती है। और इस एक्शन में बच्चों को ये भी याद हो जाएगा कि नहीं, 7 days इन अ वीक, यानी 1 week में 7 days होते हैं। तो इस तरीके की एक्शन जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो अगला है कि हम हमारे बच्चों को मंथ नेम एक्शन के साथ कैसे सिखा सकते हैं। तो देखिए, ये एक छोटी सी स्टेप है। हम हमारे बच्चों को स्टैंड अप बोलेंगे, बेटा स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन। सारे बच्चे अच्छे से समझते हैं कि स्टैंड अप मीन्स खड़े, सिट डाउन मीन्स बैठना। तो हम हमारे बच्चों को बोलेंगे बेटा स्टैंड अप। जब बच्चे स्टैंड अप हो जाएंगे, जब आप भी उनके साथ स्टैंड अप हो जाइएगा, और फिर हम हमारे हैंड्स को धीरे धीरे करके अप ले जाएंगे और साथ में हमें मंथ नेम बोलना है और उसके साथ हमारे बच्चों को भी हम बोलेंगे बेटा आपको हमारे साथ रिपीट करना है। देखिएगा, इस तरीके से हम बोलेंगे बच्चों को बेटा आपको धीरे धीरे अपने हैंड्स अप करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरीके से हम जब बच्चों को क्लैप करने के लिए बोलते हैं तो बच्चों को क्लैपिंग में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, ये तो थी एक छोटी सी स्टेप, इसके अलावा भी हम हमारे बच्चों को और कैसे अच्छे से सिखा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए हमें बच्चों को सिखाना है कि मंथ नेम कैसे सिखाएं, तो हम हमारे बच्चों को इस तरीके से हाथ में कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं। जैसे कि बच्चों को स्टार्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, कुछ बॉल्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है तो आइसक्रीम ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो अगर मंथ नेम जैसे हमें सिखाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्स ड्रॉ किए हैं तो हम यहाँ पर 12 स्टार्स ड्रॉ करके दे सकते हैं बच्चों को। और हाथ में जब ड्रॉ करके देते हैं ना बच्चों को, तो बहुत ही खुशी होती है बच्चों की। बच्चे उसी चीज़ को देखते रहते कि अरे वाह, मुझे मम्मी ने ड्रॉ करके दिया है। जब स्कूल में मैं बच्चों को ड्रॉ करके देती थी हाथ में, तो बच्चे को बहुत खुशी होती थी और घर पर जाके सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताते थे कि आज मेरी मैम ने मुझे स्टार दिया है, आज मेरी मैम ने मुझे आइसक्रीम दी है। तो आप भी इस तरीके से घर पे अपने बच्चों को हाथ में कुछ भी जो चीज़ सिखाना है आप वो ड्रॉ करके दीजिएगा, बच्चों को बहुत खुशी होगी और बच्चों को एकदम दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी कि नहीं, मम्मी ने आज मुझे स्टार दिया है, वाह आज मम्मी ने मुझे टॉफ़ी दी है। आप टॉफ़ी भी ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो सपोज हमें मंथ नेम सिखाना है, तो हम हमारे बच्चों को 12 months यहाँ पर ड्रॉ करके बॉल्स के द्वारा या फिर स्टार्स बना के ड्रॉ करके दे सकते हैं। और फिर बच्चों से बोलेंगे बेटा आप मेरे साथ रिपीट करो। हम भी बच्चों के साथ बोलेंगे जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और बच्चों से बोले क्लैप। क्लैपिंग में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिएगा, ये तो थी छोटी छोटी स्टेप जो हम हमारे बच्चों के साथ एक्शन के साथ हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत।